जरूर बताना कि आपको मेरा वाला मेकअप लुक पसंद आया या नहीं। मुझे आपके कमेंट्स पर कर आपके लाइक्स देखकर बहुत खुशी मिलती है गाइस, सो डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन दैट लाइक बटन गाइस। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बगैर यहां से मत जाइएगा, और बेल नोटिफिकेशन पे भी हिट कर दीजिएगा सो दैट आप मेरे वीडियोस से नोटिफाई हो जाए जब भी मैं अपलोड करूं। और ये वाला जो गाइस मेकअप लुक है, आप इजीली इस टाइप से अगर रेड आउटफिट मेरे जैसा पहन रहे हो, आउटफिट की फुल पिक्चर मैं यहाँ लगा दूंगी, अगर आप मेरे जैसा रेड आउटफिट पहन रहे हो तो भी आप ये वाला मेकअप लुक इजीली क्रिएट कर सकते हो गाइस। बहुत बिगिनर फ्रेंडली मेकअप लुक है, अगर आप देखोगे तो आप समझोगे बहुत इजीली मैंने क्रिएट किया है ये वाला मेकअप लुक। और अगर आप व्हाइट आउटफिट पहन रहे हो गाइस तो भी ये वाला मेकअप लुक आपका जाएगा। सो क्रिसमस पार्टी पर डेफिनेटली आप ये वाला मेकअप लुक कैरी कर सकते हो। सो अगर आपको देखना है कि मैंने ये वाला मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है, डू वॉच द वीडियो टिल एंड। एंड अब हम ज्यादा हमारी बकबक बकबक बंद करते हैं एंड वीडियो की तरफ चलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्टिंग विद प्राइमर, मैं यहाँ पर पर्पल का 24 कैरेट गोल्ड प्राइमर ले रही हूँ। फोकसिंग ऑन माई टी जोन एरिया, आई अप्लाई ऑल ओवर माई फेस। नेक्स्ट यहाँ पर मैं मालियो का ग्लो स्किन इल्यूमिनेटर बेस ले रही हूँ। इससे गाइज मेरी स्किन को एक ग्लो मिलेगा, गोल्डन ग्लो यू कैन सी, एंड मेरा बेस थोड़ा ग्लोई रहेगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पर मियोन की ब्रोकेट ले रही हूँ एंड इससे मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर लूँगी। एंड देन मैं यहाँ पर एल ए गर्ल का प्रो कंसील कंसीलर लूँगी, इससे मैं अपनी आईब्रोज की एजेस को क्लीन करूँगी। एंड देन इसको एज अ आई प्राइमर भी अप्लाई करूँगी ऑल ओवर माई आई लेड। एंड देन स्विस ब्यूटी के पाउडर से इसको मैं सेट कर लूँगी। एंड यहाँ पर मैं जैकलिन हिल का पैलेट ले रही हूँ, इसमें से वो जो न्यूडिश ब्राउन शेड था इससे मैं एज अ ट्रांजिशन शेड अप्लाई करूँगी ऑन माई लिड्स। एंड देन मैं यहाँ पर ये पीची रेड शेड ले रही हूँ, इसको मैं अपने आउटर वी पर फोकस करते हुए अपने इनर वी की तरफ ब्लेंड करूँगी टू फॉर्म अ क्रीज। एंड इसको मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पिगमेंट लेकर ब्लेंड करूँगी गाइज, एक बार में मैं ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लूँगी क्योंकि वो पैची हो जाता है और ब्लेंड करने में भी मुश्किल होता है। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पर ये डार्क रेड शेड लूँगी फ्रॉम द सेम पैलेट एंड इसको सिर्फ और सिर्फ आउटर वी की ऊपर लगाऊंगी एंड अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि कोई एजेस नहीं रहे। एंड नेक्स्ट मैं लूँगी हिलारी रोडा का सिल्वर ग्लिटर आईलाइनर एंड इसको एक कट क्रीज फॉर्म करते हुए अपने लिट पर अप्लाई करूँगी, इनर लिट से पूरी मिड लिट तक। यू कैन सी बहुत ईजीली हमारा कट क्रीज फॉर्म हो गया है गाइज, कोई हमें कंसीलर से क्लीनिंग वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड अगर आप बिगनर हो तो ये वाला कट क्रीज आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट मैं दोनों रेड शेड्स जो मैं ऊपर अपनी लिट्स पर अप्लाई करी थी उसको मैं अपनी लोअर लिट के आउटर थर्ड पर अप्लाई करूँगी। एंड जो रेड शेड मैं अपने आउटर वी पर अप्लाई करी थी वही सेम रेड शेड लूँगी एंड अपने ग्लिटर आईलाइनर के साथ ब्लेंड करूँगी ताकि एजेस नहीं रहे। एंड सेम ग्लिटर आईलाइनर को मेरे लोअर लैश लाइन के इनर थर्ड पर भी अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट यहाँ पर मैं लूँगी मेबेलिन का कॉलोसल आईलाइनर एंड इससे मैं एक थिन सा विंग आईलाइनर ड्रॉ करूँगी गाइस। मैं थिक आईलाइनर नहीं ड्रॉ कर रही क्योंकि अच्छा भी नहीं लगेगा ये लुक के साथ थिक आईलाइनर, एंड सेकेंडली मेरी हुडेड आइज है सो आई प्रिफर ड्रॉइंग अ थिन आईलाइनर। एंड गाइज इसके बाद मैं है ना अपने इनर वी की तरफ एक छोटा सा पॉइंट, वी शेप पॉइंट निकालूंगी, इससे मेरी आईज़ को एक एलोंगेटेड लुक मिलता है गाइज, एंड वो मेरी आईज़ पर बहुत सूट भी करता है। अगर आपकी मेरी जैसी आईज़ हो तो डू ट्राई दिस ट्रिक, इट विल डेफिनेटली हेल्प। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ग्लैम 21 का काजल ले रही हूँ एंड इससे अपनी लोअर वाटर लाइन एंड अपर वाटर लाइन को अच्छे से टाइट लाइन कर लूँगी। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पर
फॉल्सीज अप्लाई कर लूँगी टू कम्प्लीट माई आई लुक, एंड देन मेबेलिन के कोलासल मस्करा से अपनी फेक और रियल आई लैशेज को ब्लेंड करूँगी अच्छे से, एंड लोअर लैशेज पे भी सेम मस्करा मैं अप्लाई कर लूँगी। एंड नाउ मूविंग टूवर्ड्स द फेस मेकअप, मैं यहाँ पर मेबेलिन का फिटमी फाउंडेशन ले रही हूँ इन द शेड 128 वॉर्म न्यूड, एंड इसको एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी गाइज। एंड देन मैं यहाँ पर सेम एलिगल के कंसीलर से अपने अंडर आईज़ को हाईलाइट करूँगी, ब्रिज ऑफ द नोज़ को हाईलाइट करूँगी, एंड मेरे अराउंड माई माउथ आई हैव सम पिगमेंटेशन तो उसको भी मैं इसी से ही कवर कर लूँगी, एंड एक ब्लैडैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही इसको भी ब्लेंड कर लूँगी। एंड नेक्स्ट मैं लूँगी स्विस ब्यूटी का ट्रांसल्यूसेंट पाउडर, एंड इससे मैं अपने अंडर आईज़ को सेट करूँगी, एंड सेम पाउडर से ही मैं अपने फेस को भी सेट कर लूँगी। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पर मियोन का ये 4-in-1 पैलेट ले रही हूँ, इससे ये जो ब्राउन शेड है गाइज इससे मैं अपने फेस को काउंटोर करूँगी, लाइक माई चीक्स एंड जॉ लाइन एंड नोज। पाउडर काउंटोरिंग इज़ बिट ईजियर गाइज देन क्रीम काउंटोरिंग, सो मैं यहाँ पर क्रीम काउंटोरिंग नहीं करी हूँ, डायरेक्ट पाउडर काउंटोरिंग करी हूँ। नेक्स्ट मैं सिवाना कलर्स के ब्लश पैलेट में से ये पीच कलर का ब्लश लूँगी, एंड इसको एप्पल ऑफ द चीक्स पर अप्लाई करूँगी, एंड देन सेम मियोन के 4-in-1 पैलेट में से ये शैम्पेन शेड का हाईलाइटर अप्लाई करूँगी ऑन द हाइएस्ट पॉइंट्स ऑफ माई फेस, लाइक ब्रिज चीक बोन्स, ब्रिज ऑफ द नोज, अपर लिप, फोर हेड एंड शिन। गाइज ये बहुत ही प्यारा हाईलाइटर है, आई जस्ट लव द हाईलाइटर गाइज, डू ट्राई इट। ये वाला पैलेट मेरे पास पहले भी था। नेक्स्ट मैं यहाँ पर स्विस ब्यूटी की रेड लिपस्टिक लूँगी गाइज, एंड इससे एक लिप ब्रश की हेल्प से पहले आउटलाइन कर लूँगी अपने लिप्स को एंड देन फिल कर लूँगी, बट दिस वॉजेंट गोइंग विथ माई आउटफिट नीदर आई मेकअप, सो मैं स्विच कर ली थी टू बेला वॉस्टे मैट लिपस्टिक, एंड दिस वॉज द परफेक्ट मैच विथ माई आउटफिट एंड आई मेकअप। नेक्स्ट मैं जो अपनी ब्रो बोन एंड इनर कॉर्नर्स ऑफ माई आईज़ को भी हाईलाइट कर लूँगी गाइज विद द सेम हाईलाइटर आई हैव यूज्ड ऑन माई फेस, एंड लास्टली आई सेट माई फेस विद द हेल्प ऑफ स्विस ब्यूटी मेकअप सेटिंग स्प्रे, एंड एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैप डैप कर लूँगी सारे फेस पर ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए सारे कलर्स मेरे फेस के। एंड नाउ दिस इज़ द फाइनल फिनिश्ड लुक। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिसको भी ये वाले कंटेंट में इंटरेस्ट हो प्लीज, एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। सब्सक्राइब करें बगैर बिल्कुल नहीं जाना प्लीज। हाँ, और वो जो बेल आइकन दिख रहा है ना आपको, उस पर भी हिट कर दीजिएगा सो दैट आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।